उत्तर प्रदेश के दिन भर की खबरों में आपका एक बार फिर से स्वागत करते हैं। आइए जानते हैं, उससे पहले वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें, साथ ही चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। उत्तर प्रदेश में ज्ञान मापी पर वाराणसी जिला जज का बड़ा आदेश, एक साथ सुने जाएंगे सभी 7 मामले। जिला उत्तर प्रदेश के ज्ञान मापी से जुड़े 7 मामलों की सुनवाई एक साथ एक अदालत में किए जाने से संबंधित मांग पर आज कोर्ट ने फैसला दिया है। जिला जज डॉक्टर अजय कृष्ण विश्वेश ने सभी मामले एक साथ सुनने का आदेश दिया है, यानी कि 7 मामलों की सुनवाई एक साथ एक अदालत में ही होगी। उत्तर प्रदेश में भाजपा ने यूपी में बनाया हेलीकॉप्टर प्लान, 10 से 20 जून तक होंगी 80 बड़ी रैलियां और जनसभाएं। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश में भाजपा ने लोकसभा चुनाव से पहले तूफानी दौरों का प्लान तैयार कर दिया है। 30 मई से 30 जून के बीच तैयार की गई योजनाओं में बीच के 10 दिन उत्तर प्रदेश में ताबड़तोड़ रैलियां और जन सम्मेलनों के होने वाले हैं। योजना भी इस तरीके की भाजपा ने बनाई है कि महज 10 दिन के भीतर उत्तर प्रदेश की सभी 80 लोकसभा सीटों पर देश और प्रदेश के बड़े नेताओं की रैलियां और जनसभाएं होंगी। वहीं रणनीतिकारों ने एक दिन में औसतन 8 लोकसभा क्षेत्रों को कवर करने की पूरी योजना तैयार की है। 10 से 20 जून के बीच सिर्फ और सिर्फ हेलीकॉप्टरों की आवाज का शोर सुनाई पड़ने वाला है। भाजपा के नेताओं का कहना है कि इन रैलियों में प्रधानमंत्री मोदी से लेकर रक्षा मंत्री, गृह मंत्री समेत कई कद्दावर मंत्री और नेता जनसभाओं में शिरकत करने वाले हैं। उत्तर प्रदेश में बिजली चोरी रोकने के लिए रात में भी पड़ेंगे छापे, कॉरपोरेशन के अध्यक्ष ने दिए निर्देश। या दोस्तों, गर्मी की तपिश बढ़ने के साथ ही बिजली की मांग भी बढ़ रही है। निर्धारित शेड्यूल के हिसाब से प्रदेश भर में बिजली आपूर्ति की जा रही है, वहीं बिजली चोरी रोकने के लिए रात में भी छापे मारे जाएंगे। इस संबंध में अभी अभी पावर कॉरपोरेशन अध्यक्ष एम देवराज ने निर्देश जारी किया है। उन्होंने हिदायत दी है कि उपभोक्ताओं के फोन जरूर उठाएं और लोकल फॉल्ट तत्काल ठीक करें। फोन न उठाने जाने की शिकायत को गंभीरता से लिया जाए। लखनऊ की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए 24 घंटे मोबाइल गैंग फील्ड में तैनात रहेंगे। उत्तर प्रदेश में शौकीनों को भरपूर मिलेगी शराब और बियर, अब मौसम के हिसाब से बढ़ेगा कोटा। जी हां, बता दें कि बियर शराब बिक्री और दुकानदारों को होने वाली परेशानियों को देखते हुए आबकारी विभाग ने अब शराब और बियर का माहवार अलग अलग कोटा तय कर दिया है। अभी तक वार्षिक कोटा निर्धारित था, वही माहवार कोटे में सर्दी यानी नवम्बर से जनवरी तक अंग्रेजी और गर्मी यानी अप्रैल से जून तक बियर का कोटा बढ़ा दिया गया है। यह बदलाव 1 अप्रैल से लागू की गई आबकारी नीति में संशोधन कर किया गया। विभाग के अफसरों का दावा है कि इस बदलाव से लाइसेंस शराब और बियर के दुकानदारों को बड़ी राहत होगी। अपर्णा यादव की आवाज में सुंदर कांड लॉन्च, बोली कर्नाटक में हनुमान जी का फार्मूला फेल मगर यूपी में चलेगा। जी हां, आपको बता दें कि बीजेपी नेता और मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा यादव ने आज सुंदर कांड लॉन्च किया। अपर्णा ने सुंदरकांड का पाठ अपनी आवाज में किया है। दिवंगत संगीतकार आदेश श्रीवास्तव ने इसका म्यूजिक तैयार किया है। लखनऊ में तीसरे बड़े मंगलवार को लॉन्चिंग के दौरान अपर्णा ने कहा, भले ही विपक्ष ये कह रहा हो कि कर्नाटक में हनुमान जी का फार्मूला फेल हो गया, मगर यूपी में हनुमान जी हम लोगों को अच्छे नंबर दिलाएंगे। उन्होंने कहा है कि यह फार्मूला यूपी में फेल कभी नहीं हो सकता। पिछले चुनाव में मैंने एक नारा दिया था कि लड़ेंगे हनुमान की तरह और जीतेंगे श्री राम की तरह, तो यही बात यूपी में भी आने वाले समय में लागू होगी। तो दोस्तों, अगर आप भी बजरंगबली को पसंद करते हैं तो कमेंट में जरूर बताएं। उत्तर प्रदेश लखनऊ में सिविल कोर्ट के बाहर पार्किंग में लगी भीषण आग, 2 दर्जन से अधिक बाइकें जली। जी हां, लखनऊ सिविल कोर्ट गेट नंबर 2 के बाहर आज अचानक बिजली का तार टूट गया। तार की चपेट में आकर गेट के बाहर खड़ी 2 दर्जन से अधिक बाइक जलने लगी। एक के बाद एक बाइक जलती देख हड़कंप मच गया। लोग चीख पुकार मचाते हुए इधर उधर भागने लगे। इसी बीच कई गाड़ियों की टंकी धमाके के साथ फटने लगी। सूचना पर पहुंची 5 दमकल ने 2 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। उत्तर प्रदेश में महारैली की तैयारी में जुटे सांसद ब्रजभूषण शरद सिंह बोले, 5 जून को संत बोलेंगे और पूरा देश सुनेगा, 11 लाख की भीड़ जुटाने का लक्ष्य। जी हां, कुश्ती खिलाड़ियों के आरोपों के बाद विवादों में घिरे ब्रजभूषण शरद सिंह अब अपना मुकदमा संतों की पंचायत में रखने वाले हैं। अखिल भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष की कुर्सी गंवाने के बाद ब्रजभूषण शरण सिंह का यह सबसे बड़ा दांव है। इसके लिए आगामी 5 जून को अयोध्या के रामकथा पार्क में महारैली का आयोजन कर रहे हैं। सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह का दावा है कि इस रैली में भारत भर के प्रमुख संत उपस्थित रहेंगे और उनको सुनने के लिए सामने 11 लाख लोगों की बड़ी भीड़ होगी। वहीं सीधे शब्दों में कहें तो मंच पर बैठे साधु संत जज की भूमिका में होंगे, तो सामने ब्रजभूषण शरण सिंह के समर्थकों की भीड़ श्रोता की स्थिति में होगी।
दिसंबर 2003 तक निकली भर्ती वाले केंद्रीय कर्मी पुरानी पेंशन के हकदार। जी हां, बता दें कि केंद्रीय कार्मिक मंत्रालय ने 22 दिसंबर 2003 तक की भर्ती के लिए निकले विज्ञापन के आधार पर नौकरी पाने वाले आईएएस और केंद्रीय कर्मचारी को पुरानी पेंशन का हकदार माना है। इसके लिए 31 अगस्त तक विकल्प की सुविधा दी गई है। बता दें कि केंद्रीय कार्मिक मंत्रालय के अपर सचिव संजीव नारायण द्वारा भेजे गए पत्र के आधार पर यूपी के कार्मिक विभाग ने मशक्कत शुरू कर दी है। देश में जनवरी 2004 से पुरानी पेंशन की व्यवस्था समाप्त करते हुए नई पेंशन स्कीम यानी एनपीएस व्यवस्था लागू की गई। इसमें कर्मचारी के वेतन से 10% की कटौती की जाती है। नई पेंशन में जीपीएफ की सुविधा नहीं है, जबकि पुरानी पेंशन में इसकी व्यवस्था थी। पुरानी पेंशन में सेवानिवृत्त के बाद वेतन के अनुसार पेंशन देने की व्यवस्था थी। नई में बाजार में लगे पैसे के हिसाब से भुगतान की व्यवस्था है। इस समय देश में पुरानी पेंशन की मांग जोर पकड़ती जा रही है। ऐसे में केंद्रीय कार्मिक मंत्रालय का यह पत्र राहत देने वाला है। अब गुर्गे फैला रहे पंख का आतिक के चल बसने के बाद गैंग अब मेंबर हुए फ्री, मांगी 15 लाख की रंगदारी। जी हां, बता दें कि माफिया आतिक अहमद और उसके भाई अशरफ अहमद के चल बसने के बाद अब उनके गुर्गे पंख फैलाने लगे हैं। दोनों भाइयों के चल बसने के बाद परिवार में फिलहाल ऐसा कोई नहीं है जो गैंग को संभाल सके। सो अतिक गैंग के सदस्य अब खुद को फ्री मानकर अपना अपना वर्चस्व बढ़ाने में जुट गए हैं। ऐसे ही कुछ गुर्गों ने चकिया में एक परिवार से 15 लाख रुपए की रंगदारी मांगी है। आरोप तो यहां तक है कि जबरन घर में घुसकर पिटाई भी की और रुपये नहीं देने पर मकान अपने नाम करवा लेने की धमकी दी। बताया जा रहा है कि डर के मारे इस परिवार के लोग पिछले कुछ दिनों से घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं। पीड़ित परिवार ने धूमनगंज थाने में मामले की शिकायत दर्ज करने के लिए प्रार्थना पत्र दिया। इसके साथ ही सीएम योगी आदित्यनाथ से सुरक्षा की गुहार भी लगाई। उत्तर प्रदेश में जालौन, सिद्धार्थनगर और कुशीनगर में बारिश, ओले भी गिरे। यूपी के 20 जिलों में आज आंधी बारिश का अलर्ट। 25 मई से 16 दिन पड़ेगी भीषण गर्मी। जी हां, उत्तर प्रदेश में आज 20 जिलों में आंधी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। लखनऊ में सुबह करीब 4 बजे गरज के साथ हल्की बारिश हुई, बादल छाए हुए हैं। वहीं कुशीनगर, सिद्धार्थनगर और जालौन में भी बारिश हुई है। वहीं आपको बता दें कि कुछ हिस्सों में ओले पड़े। कुशीनगर में देर रात से बारिश जारी है। वहीं आपको बता दें कि कुशीनगर में देर रात से बारिश अभी भी जारी है। यहां तेज हवाएं चल रही हैं। सूचना है कि कुछ इलाकों में ओले भी पड़े हैं। यह बारिश किसानों के लिए नुकसानदायक हो सकती है, क्योंकि खेतों में सब्जियों की फसल है जो कि पानी भरने से खराब हो जाएगी। वहीं मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि हीटवेव के कारण दिन के साथ रात भी तपने लगी है। मथुरा और चित्रकूट में रात प्रदेश में सबसे गर्म रही। मथुरा में न्यूनतम तापमान 30.6 डिग्री सेल्सियस और चित्रकूट का 29.9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। मंगलवार सुबह से ही कड़ी धूप निकली, जिससे लोग परेशान हैं। आगरा, अलीगढ़, झांसी, कानपुर, लखनऊ समेत सभी प्रमुख शहरों में पारा 40 के पार चल रहा है। उत्तर प्रदेश में मौलाना अरशद मदनी के बयान पर बजरंग दल का पलटवार। प्रांत संयोजक बोले, तुम जैसे लोगों पर लगानी चाहिए बैन, दारुल उलूम अवैध मदरसों की जननी। जी हां, बता दें कि जमीयत उलेमाए हिंद के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने मुंबई में बजरंग दल को बैन करने का बयान दिया। उन्होंने कहा था कि यदि कांग्रेस 70 साल पहले बजरंग दल को बैन कर देती तो सत्ता उनके हाथों से न जाती, मुल्क बर्बाद न होता, तबाही न आती। अब बता दें कि अरशद के बयान पर सहारनपुर में बजरंग दल के प्रांत संयोजक विकास त्यागी ने पलटवार किया। विकास त्यागी ने कहा है कि बैन बजरंग दल पर नहीं बल्कि तुम जैसे लोगों पर लगाना चाहिए, जो देश और समाज के लिए बहुत बड़ा खतरा बनते जा रहे हैं। देश और राष्ट्र के विरुद्ध शक्तियों को पोषित कर रहे हैं। जितने भी देश विरोधी लोग आतंकवादी के रूप में पकड़े जाते हैं, आपकी संस्था जमीयत से होते हैं। आप लोग ऐसे लोगों के पक्ष में खड़े होते हैं, उनकी पैरवी करते हैं। क्या दोस्तों, आप भी बजरंग दल के प्रांत संयोजक विकास त्यागी की बात से सहमत है? कमेंट जरूर करें। प्रयागराज महाकुंभ के लिए 340.59 करोड़ रुपए की योजनाएं मंजूर होंगे, ये काम। जी हां, बता दें कि मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र ने प्रयागराज कुंभ की तैयारियों के लिए 340.59 करोड़ रुपए लागत की 87 परियोजनाओं को मंजूरी दे दी और अधिकारियों से कहा है कि यह सब काम महाकुंभ मेला से पहले मानक एवं गुणवत्ता के साथ पूरा कर लिया जाए। महाकुंभ मेला 2025 का लोगो और थीम बना लिया जाए। मुख्य सचिव ने आज प्रयागराज महाकुंभ मेला 2025 की शीर्ष समिति की बैठक में यह निर्देश दिए। वहीं प्रयागराज में एलडी और हेड लाइनों को भूमिगत विद्युत उपकेंद्रों व ट्रांसफार्मरों की क्षमता वृद्धि, नए उपकेंद्रों व ट्रांसफार्मर की स्थापना, क्षतिग्रस्त लाइनों का परिवर्तन व नई लाइन बिछाने का काम होगा। मार्गों के चौड़ीकरण, सतह सुधार, सुदृढ़करण, इंटरलॉकिंग मार्ग का चौड़ीकरण व मार्गों के नवनिर्माण कराए जाएंगे।
उत्तर प्रदेश में अब आय जाति और निवास प्रमाण पत्र से भी जुड़ेगा आधार। शासन ने सभी डीएम को जारी किया आदेश। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश के राजस्व परिषद ने आय जाति और निवास प्रमाण पत्र बनवाने के नाम पर होने वाली धोखाधड़ी को रोकने के लिए आधार को लिंक करना अनिवार्य कर दिया है। बता दें कि राजस्व परिषद की सचिव और आयुक्त मनीषा त्रिघाटिया ने आज इस संबंध में सभी डीएम को निर्देश भेज दिया है। जिले स्तर पर आय जाति निवास और हैसियत प्रमाण पत्र जारी किया जाता है। इसके लिए अभी आधार की छाया प्रति ले ली जाती है, लेकिन इसे लिंक नहीं किया जाता था। लोग अपनी जरूरतों के आधार पर इसे बनवाते रहे। नियमतः यह प्रमाण पत्र 3 साल के लिए मान्य होता है, इसलिए उसको रोकने के लिए आधार को लिंक करना अनिवार्य कर दिया गया। ऑस्ट्रेलिया के पीएम ने मोदी को बताया बॉस, स्वागत में उतरी पूरी कैबिनेट। जी हां, G7 सम्मेलन में अपनी छाप छोड़ने के बाद पीएम मोदी ऑस्ट्रेलिया दौरे पर हैं। यहां उनके स्वागत के लिए सिडनी में भव्य स्वागत की तैयारी हुई। बता दें कि कार्यक्रम का आयोजन किया गया। पीएम मोदी 9 साल बाद ऑस्ट्रेलिया पहुंचे हैं। उनके स्वागत के लिए भारतीय मूल के लोग काफी उत्साहित हैं। पीएम मोदी के स्वागत में आयोजित कार्यक्रम में हजारों की संख्या में भारतीय शिरकत कर रही है। उत्तर प्रदेश में 2000 का नोट देने पर वापस निकाला पिस्टल। लखनऊ में कैश जमा करने पर हंगामा। आगरा में 102 करोड़ तो गाजियाबाद में 55 करोड़ जमा। जी हां, यूपी में बैंकों में 2000 के नोट बदलने की प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है। आगरा में अब तक 102 करोड़ तो गाजियाबाद में 55 करोड़ बैंक में जमा किए गए हैं। जालौन में भी पेट्रोल पंप के कर्मचारी ने 2000 के नोट देने पर स्कूटी से पेट्रोल वापस ले लिया। वहीं नोएडा के पेट्रोल पंप पर नोटिस जारी की गई है कि 30 सितंबर तक 2000 रुपए से ज्यादा की खरीद पर ही 2000 की नोट ली जाएगी। गुजरात में बड़ी आतंकी साजिश बेनकाब। अलकायदा मॉड्यूल बना रहा था ये प्लान, सीमा पार से जुड़े हैं तार। जी हां, गुजरात आतंकवाद निरोध दस्ते आज अहमदाबाद में अलकायदा मॉड्यूल का भंडाफोड़ करते हुए इससे जुड़े 4 बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया है, जो अवैध रूप से अहमदाबाद में रह रहे थे। गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की पहचान मोहम्मद शेजिब, मुन्ना खालिद अंसारी, जहरुल इस्लाम अंसारी और मेमिनुल अंसारी के रूप में हुई, जिनके बारे में माना जा रहा है कि वे आतंकी संगठन से जुड़े हैं। प्रारंभिक जांच से पता चला है कि भारत भेजे जाने से पहले उन्होंने बांग्लादेश में स्थित आकाओं से आतंक की ट्रेनिंग ली थी। खबरों में इतना ही। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें। रूस के ताजा अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर घंटे के निशान को दबा लें।